हेलो, मैं सर डॉक्टर निशा माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम बीएससी पार्ट वन के सेकंड पेपर कैलकुलस में इंट्रिंसिक इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, जिसमें ये है टेकिंग ओरिजिन एज द फिक्स्ड पॉइंट, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग साइक्लॉइड। साइक्लॉइड की इक्वेशन दे रखी है पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस कॉस थीटा, थीटा लाई बिटवीन माइनस पाई टू पाई। हैंस और अदरवाइज प्रूव दैट रो स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर। रो हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, एस हमारी मूविंग पॉइंट की फिक्स पॉइंट से आर्कुल डिस्टेंस होती है, तो ये हमें प्रूव करना है कि रो स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर है। और यहाँ ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसके, x इज इक्वल टू ए इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। हमने और भी इसके एग्जाम्पल्स किए थे, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, x है dx बाय डी थीटा निकाला हमने, a थीटा का वन साइन थीटा का कॉस थीटा, डी वाई बाय डी थीटा निकाला, ए वन का जीरो और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ए साइन थीटा हो गया। डी वाई बाय डी एक्स हमें पता है टेन शाई के बराबर होता है, और डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा इंटू डी एक्स अपॉन डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। ये डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू है, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है, ये हमने यहाँ पर रख दी। इनको सिंप्लीफाई किया, उसके लिए साइन थीटा को हाफ एंगल में चेंज किया, टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, और वन प्लस कॉस थीटा को टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू में किया, इनको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ आ गया टेन थीटा बाय टू। इट मीन्स टेन शाय इज इक्वल टू टेन थीटा बाय टू, मीन शाय इज इक्वल टू थीटा बाय टू। अब हमें शाय तो मिल गया, अब हमें निकालना है एस। एनी पॉइंट, एनी मूविंग पॉइंट भी कर सकते हैं इसको, एनी मूविंग पॉइंट आर थीटा ऑन साइक्लॉइड, इस पॉइंट पी की फिक्स पॉइंट जो कि हमें दे रखा है ओरिजिन एज अ फिक्स पॉइंट, तो ओरिजिन से इस पी की बीच की जो आर्कुल डिस्टेंस है, चाप है, उसकी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है एस, वो हमें निकालनी है जीरो से लेके थीटा। ये पी आर थीटा है, आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा, तो यहाँ पर हमने जीरो टू थीटा ले लिया, और ये डी एक्स अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये हमने वैल्यूज डी एक्स अपॉन डी थीटा एंड डी वाई अपॉन डी थीटा की ऑलरेडी निकाल चुके हैं इंटू डी थीटा। सिंप्लीफाई किया इसको तो यहाँ गया कॉस थीटा बाय टू इज इक्वल टू फोर ए साइन थीटा बाय टू, और ये हम पहले निकाल चुके हैं कि शाई की वैल्यू, शाई इज इक्वल टू थीटा बाय टू, तो यहां से ये थीटा बाय टू की जगह हमने लिख दिया शाई, तो एस इज इक्वल टू फोर ए साइन शाई, तो एस और शाई में ये रिलेशन आ गया जो कि हमारा इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाएगा। तो ये जो हमारा एक पार्ट था कि टेकिंग ओरिजिन एज द फिक्स पॉइंट फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द साइक्लॉइड, तो ये जो साइक्लॉइड की इक्वेशन दे रखी है इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन हो गई एस इज इक्वल टू फोर ए साइन शाई। दूसरा इसका पार्ट है कि हमें प्रूव करना है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर। एस हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, और रो हम निकालेंगे। रो हमें पता है डी एस अपॉन डी शाई होता है, ये हमने कर्वेचर के अंदर पढ़ा था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू डी एस अपॉन डी शाई होती है, तो एस की वैल्यू हमारे पास पता है फोर ए साइन शाई, हमने डी एस अपॉन डी शाई निकाला तो हो गया फोर ए कॉस शाई जो कि रो के बराबर है, तो फोर ए कॉस शाई रो है, एस फोर ए साइन शाई है, दोनों को स्क्वायर करके हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया फोर ए कॉस शाई का स्क्वायर प्लस फोर ए साइन शाई का स्क्वायर 16 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर शाई 16 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर शाई, तो ये हो गया 16 ए स्क्वायर। और हमें यही प्रूव करना था कि रो स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 16
ए स्क्वायर होता है। तो इस तरह मैंने जो मेरा पहले वाला वीडियो था इंट्रिंसिक इक्वेशन का, उसमें कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जो कर्व दे रखा था उसके को हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन में चेंज किया था, और पोलर फॉर्म में जो कर्व दे रखा था उसको हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन में किया था, और साथ में पैडल इक्वेशन जो कि आर और पी में होती है उसको भी हमने पैडल इक्वेशन में चेंज पैडल इक्वेशन को हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन में चेंज किया था। यहां हमने पैरामेट्रिक फॉर्म ले ली है, तो हमारी कार्टेशियन फॉर्म हो गई, पोलर फॉर्म हो गई, पैडल इक्वेशन हो गई, पैरामेट्रिक फॉर्म हो गई, इन सब पे हमने इंट्रिंसिक इक्वेशन निकाल ली है। अब हम इक्वेशन और ये पी और आर की रह रही थी हमारी, ये पी और आर की हम यहाँ निकाल रहे हैं। फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व पी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। जो पी और आर में जैसे एस और शाही के रिलेशन को हम इंट्रिंसिक इक्वेशन कहते हैं, उसी तरह पी और आर में जो रिलेशन होता है उसको हम पैडल फॉर्म कहते हैं। तो ये हमारी पैडल फॉर्म है। तो फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व पी इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। इसमें पी कैपिटल पी हमारा होता है मूविंग पॉइंट, और ये स्मॉल पी है, और ये आर है, आर मीन्स रेडियस वेक्टर। ये जो पी होती है स्मॉल पी वो होती है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट एट पॉइंट पी। जो हमारा कर्व के ऊपर एक पी पॉइंट होता है उस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं उसके ऊपर, तो वो जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट एट पी, वो लेंथ हमारी स्मॉल पी होती है। तो वो और ये रेडियस वेक्टर होता है, तो पी और आर का जो रिलेशन होता है वो हमारा पैडल फॉर्म कहलाता है। तो अगर पैडल फॉर्म में इक्वेशन है हमारी तो हम उसको इंट्रिंसिक इक्वेशन में कैसे चेंज करेंगे। हमें फॉर्मूला पता है कि एस इज इक्वल टू जीरो टू आर, आर क्यों क्योंकि मूविंग पॉइंट हमारा आर है, सॉरी पी है, पी आर थीटा है। आर डी आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो टू आर, आर डी आर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी की वैल्यू दे रखी है आर साइन एल्फा। तो हमने लिख दी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा मीन्स वन माइनस साइन स्क्वायर विच इज कॉस, तो कॉस एल्फा ऊपर जाके हो गया हमारा सेक एल्फा, और ये आर इस आर से कैंसिल हो गया, तो सेक एल्फा और ये साथ में डी आर, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आर सेक एल्फा, ये है गया आर सेक एल्फा, ये हमारी एस की वैल्यू आ गई। अभी हमको इसको में से आर को और हटाना है, क्योंकि हमें चाहिए शाई। तो डी एस अपॉन डी शाई इज इक्वल टू रो के होता है, और रो जो है वो आर डी आर बाय डी पी के होता है, तो आर और डी आर बाय डी पी हमारा कॉसेक एल्फा। तो ये जो रो है डी एस अपॉन डी शाई वो बराबर हो गया आर कॉसेक एल्फा के। अब हमने लिया वन अपॉन एस इंटू डी एस अपॉन डी शाई की वैल्यू, तो वन अपॉन एस की तो होगी वन अपॉन आर सेक एल्फा, और डी एस अपॉन डी शाई की हो गई रो विच इज इक्वल टू आर कॉसेक एल्फा जो कि कॉट एल्फा के बराबर हो गई। इट मीन्स वन अपॉन एस डी एस बाय डी शाई इज इक्वल टू कॉट एल्फा, तो डी एस अपॉन डी एस इज इक्वल टू कॉट एल्फा और डी शाई, फिर हमने दोनों तरफ इंटीग्रेट किया तो यहाँ आ गया लॉग एक्स लॉग एस इज इक्वल टू कॉट एल्फा, कॉन्स्टेंट है डी शाई का शाही आ गया, प्लस कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया तो हमने यहाँ लॉग ए ले लिया, तो एस अपॉन ए इज इक्वल टू ई रेस टू शाई कॉट एल्फा आ गया, और एस इज इक्वल टू ए ई शाई कॉट एल्फा। तो ये हमारा कॉट एल्फा हमारा कांस्टेंट है, एस हमारा लेंथ है, और ये शाई हमारा टेंजेंट से पी पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनाता है वो शाई है, तो ये एस और शाई का रिलेशन हो गया। तो अगर हमारी इक्वेशन पी और आर में है तो हम इस फॉर्मूले को याद रखेंगे कि एस इज इक्वल टू जीरो टू आर आर डी आर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसमें यहां से हमने एस निकाली और फिर इसको इंटीग्रेट करके हमने इसमें शाई इंट्रोड्यूस किया, और फिर उसको हमने आर को
रिमूव किया। तो ये हमारी जो इक्वेशन आई है वो हमारी इंट्रिंसिक इक्वेशन है। तो अगर गिवन हमारी पी और आर है, पेडल फॉर्म है, तो हमने यहाँ पर इंट्रिंसिक इक्वेशन इसकी निकाल ली है। तो जितनी भी फॉर्म्स थी हमारी, पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और ये पेडल फॉर्म, इन चारों से हमने चारों इक्वेशन को कन्वर्ट की इन टर्म्स ऑफ एसआई मींस इंट्रिंसिक इक्वेशन। थैंक यू।